नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा सदियों से इंसान को रही है, लेकिन आज तक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रयास जारी हैं, लेकिन ऐसा सटीक जवाब कोई आज तक दे नहीं पाया है कि सभी महापुरुष, सभी संत ज्ञानी उस जवाब से संतुष्ट हो सकें। ईश्वर के बारे में आज मैं ऐसी एक व्याख्या करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस व्याख्या को सुनकर ईश्वर के बारे में आपकी समझ बहुत बढ़ जाएगी और किसी को भी ईश्वर के बारे में सही जानकारी आप दे पाओगे। तो बात बहुत पुरानी है। हमारे देश में राजाओं का राज हुआ करता था और हर राज्य में जो राजा होते थे वो अलग अलग प्रकृति के होते थे। कई राजा धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, कई बहुत सारे दानी होते थे, कई योद्धा होते थे और कई राजा ऐसे भी हुए हैं जो आध्यात्मिक थे और उन्होंने ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। ऐसे ही एक राजा थे और वो जानना चाहते थे ईश्वर के बारे में, तो अपने मंत्रियों को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरे ईश्वर के बारे में कुछ प्रश्न हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे राज्य में बहुत विद्वान लोग हैं वो आकर के मेरा समाधान करें। मंत्रियों ने पूरे राज्य में ये सूचना भिजवाई कि राजा ईश्वर के बारे में विद्वानों से कुछ जानना चाहते हैं और जो भी विद्वान राजा को संतुष्ट करेगा अपने जवाबों से, राजा बहुत सारा इनाम उसको देने वाले हैं। तो बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष उस राज्यसभा में आए और ईश्वर के बारे में बताने के लिए तैयार हुए। राज्यसभा जुटाई गई, महाराजा आसन पर बैठे, जो विद्वान आए थे और वो इस लालच में आए थे कि यदि मेरे जवाब से संतुष्ट हो गए राजा तो मुझे बहुत सारा राजा से धन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर के बारे में जानता है वो बोला धन के लालच में राजा के यहाँ क्यों आएगा। तो पहली बात तो यही थी यहाँ पर समझाने की कि जो वास्तव में ज्ञानी है वो धन के लालच में कम से कम वहाँ पर राजा के यहाँ राजा के प्रश्नों को उत्तर देने नहीं आएगा। यदि राजा को उत्तर चाहिए तो राजा को खुद उस संत महात्मा ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। तो उनमें कोई ऐसा था ही नहीं कि उन राजा के उत्तरों का जवाब, प्रश्नों का उत्तर सही दे सके। तो पहले उनको पूछा गया कि महाराज आपके प्रश्न क्या हैं, आप बताइए। तो राजा ने अपने तीन प्रश्न बताए कि पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर एक है या अनेक। विद्वानों ने अलग अलग जवाब दिए और किसी के जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ कि महाराज दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर रहता कहाँ है और मिलने का साधन क्या है। उसका भी जवाब बहुत सारे विद्वानों ने दिया लेकिन कोई जवाब राजा को नहीं जचा कि नहीं, ये मुझे तो संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, ये जवाब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तीसरा प्रश्न भी राजा ने उन विद्वानों को कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर करता क्या है। तो बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने जवाब दिए कि सब ईश्वर की रचना है, जो कुछ होता है ईश्वर ही करता है, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर के बिना बारिश नहीं हो सकती, कि जो कुछ रचनाएँ, जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है भी ईश्वर के द्वारा हो रहा है। लेकिन उसकी व्याख्या ठीक से ना होने के कारण राजा संतुष्ट नहीं हो पाए, राजा बड़े उदास हो गए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज हिमालय की जो घाटी है वहाँ पर एक संत पुरुष हैं, वहाँ पर तप करते हैं और वो यहाँ पर नहीं आए हैं, चाहो तो मैं उनको बुलाकर लाऊं, शायद वो आपका समाधान कर सकें। राजा ने कहा ठीक है, बुला के ले आओ। तो राजा के बुलावे पर जब वो संत नहीं आए तो राजा को सूचना दी गई कि महाराज उन्होंने कहा है कि राजा को जवाब चाहिए तो राजा को यहाँ आना पड़ेगा, हम राजा के यहाँ नहीं जाएंगे। तो उनको धन का भी लालच दिया गया कि हम धन के लालच में कोई कार्य नहीं करते, हमने सब कुछ त्याग दिया है। तब राजा ने कहा कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे संतुष्टि चाहिए, मैं उनके पास जाऊँगा। तैयारी की गई, राजा घोड़े पर सवार होकर पहुँचे। पहुँचते ही जिज्ञासु राजा ने उस महात्मा को देख करके, महाराज मेरे तीन प्रश्न हैं, उनके उत्तर चाहता हूँ आपसे। संत बोले
कि हे प्रभु, उत्तर आप लेने आए हो और इस घोड़े पर सवार हो, लेने वाला आता है तो पहले देने वाले से उसको नीचे रहना पड़ेगा। राजा समझ गया इस महात्मा में कुछ दम है, यहाँ मेरा समाधान हो सकता है। राजा तुरंत घोड़े से उतरे, महात्मा थे, उन्होंने कहा कि आप रुकिए कुटिया में, थोड़ा जलपान कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, इतने सफ़र से आए हो, आराम से हम मिल के बैठ के बात करेंगे। राजा के वहाँ रुकने की व्यवस्था की गई। राजा ने नदी में स्नान आदि करके शाम को संत को बुलाया। संत और राजा आमने सामने थे। संत ने कहा, अब बोलो महाराज, क्या प्रश्न हैं आपके? तब राजा ने कहा, महाराज मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैंने सारे राज्य के विद्वानों को बुलाकर ये प्रश्न रखे, लेकिन मैं किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ कि आप मेरे शंका है जो मेरे मन में, उसका समाधान जरूर करेंगे। संत थे, महात्मा थे, बहुत पहुँचे हुए। उन्होंने कहा, जरूर महाराज, लेकिन आपके प्रश्न क्या हैं, वो प्रश्न तो बताइए। महाराज ने कहा, पहला प्रश्न ये है कि ईश्वर एक है या अनेक हैं, और दूसरा ये कि ईश्वर कहाँ रहता है और उससे मिलने का साधन क्या है, तीसरा ये कि ईश्वर करता क्या है। संत ने कहा, महाराज मैं जवाब तो अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप अकेले जवाब सुनना चाहते हो या पूरी राज्यसभा में सबके साथ सामने। तो राजा ने कहा कि मैं अकेला संतुष्ट होऊंगा तो शायद ठीक नहीं रहेगा, राज्यसभा के सामने आप उत्तर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि ठीक है, आप सबको इकट्ठा कीजिए, राज्यसभा की तैयारी कीजिए और समय बता दीजिए। राजा ने 30 दिन का समय दिया कि 30 दिन के अंदर वहाँ व्यवस्था करूँगा जाके, और जो मुझे विद्वान योग्य लगते हैं उनको बुलाऊँगा और उनके सामने आप ये जवाब देना। दिन ब दिन बीतते गए, एक एक दिन करके बीत रहा था। साधु महात्मा अपने मस्त नदी में स्नान करके अपनी कुटिया में रहते थे। तो आसपास एक दिन वो टहलने निकले तो किसानों के खेत हुआ करते थे वहाँ, तो एक खेत पे पहुँचे। किसान अपने मस्त खेती करने में व्यस्त था। किसान ने मिले, दो चार दिन मिलते रहे। किसान उनको, क्योंकि संत थे, महात्मा थे, हमारे यहाँ ये परंपरा ही है संत महात्माओं को बिठा के जलपान कराना, उनके हालचाल पूछना, पैर छूना, तो ऐसे करके वो उनसे दोस्ती हो गई। तो किसान ने कहा, महाराज कोई काम हो तो ज़रूर बताना। संत ने कहा, ठीक है ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही उनसे मिलते रहे। जब 3 दिन रह गए तो महाराज फिर गए किसान के पास। किसान ने कहा, जरूर आज महाराज को कुछ काम है इसीलिए आए हैं। तो किसान ने आवभगत की कि महाराज बोलिए कुछ काम हो, कि काम तो है पर कल बताएंगे। कि ठीक है महाराज कल बता देना। दूसरे दिन गए तो क्या आज कोई महाराज काम बताने वाले थे, तो कि महाराज बताइए क्या सेवा करूं, कि आज और रुक जाओ कल मैं बताता हूं आपको। तीसरे दिन जब वो साधु पहुंचे और उनको विश्वास हो गया कि किसान मेरा कहना मान लेगा, तब उन्होंने कहा कि एक काम है यदि आप करना चाहते हो तो। अरे महाराज आप तो हुक्म कीजिए, क्या काम है? साधु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप साधु बन जाओ। किसान ने कहा, महाराज साधु तो बन जाऊँ, लेकिन पीछे खेतीबाड़ी, बच्चे अभी छोटे हैं, घरवाली है, उनको छोड़ के। ना ना ना, छोड़ना किसी को नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन के लिए साधु बन जाओ। एक दिन के लिए महाराज? तब तो ठीक है, कि कल मेरे साथ चलना है तुमको। कि ठीक है महाराज, कल मैं जल्दी आ जाऊँगा और सुबह सुबह आपका इंतज़ार करूँगा। किसान सुबह जल्दी पहुँच गया, खेत का काम तो कुछ किया नहीं, वहाँ बैठा था। महाराज पहुँचे, महाराज ने कहा कि ये मेरे सारे कपड़े आप पहन लीजिए। तो वो कपड़े पहन लिए, किसान के कपड़े जो संत महात्मा थे उन्होंने पहन लिए। अब उन्होंने कहा कि देखो राजा के पास चलना है। तो जैसे ही राजा का नाम लिया, किसान डर गया कि महाराज मैं नहीं नहीं मैं राजा के कुछ पूछ लिया तो मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं साधु के वेश में नहीं जाऊंगा। कि देखो ऐसा करना कि जब वहाँ जाएंगे राजा के पास, राजा जो कुछ पूछे ना तो ये कह देना कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा जो एक चेला साधारण सा किसान यही जवाब दे देगा।
और मैं जवाब दे दूंगा, तुम्हें तो वहाँ बैठे रहना है बस, ठीक है। दोनों रवाना हुए, उधर राज्यसभा तैयार हो चुकी थी। राजा बड़ा जिज्ञासु था और इंतजार कर रहा था। जैसे ही पहुँचे तो महाराज के वेश में एक दूसरे व्यक्ति, राजा ने कहा ये वो साधु संत तो नहीं लग रहे हैं जिनसे मैं मिला था। लेकिन वो किसान के कपड़े में था, उसकी तरफ राजा का ध्यान नहीं गया। उसने कहा कोई होगा इनका चेला चपाटा साथ में आया होगा, पर राजा की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। खैर, उस संत के लिए और किसान के वेश में जो संत थे उनके लिए आसन लगाया गया, बैठे, तैयारी हुई, सारी राज्यसभा तैयार थी और महाराज का स्वागत भी किया गया था। फिर सबके सामने पूछा कि महाराज पूछिए, अब क्या प्रश्न है आपके। राजा ने प्रश्न पहला दोहराया कि हे प्रभु, ये बताइए कि ईश्वर एक है या अनेक है। तो जो किसान संत के वेश में था उसने कहा महाराज आप भी कैसे प्रश्न पूछते हो, मैं सोचा कोई बड़ा बहुत इतनी बड़ी राज्यसभा है कोई बहुत कठिन प्रश्न पूछो। अरे ये प्रश्न तो मेरा ये जो चेला है ये वही दे देगा, किसान के वेश में बैठे थे महाराज, मुझे तो प्रश्न से उत्तर से मतलब है, आप दो या आपका चेला दे दे तो और अच्छी बात है। तो जो किसान के वेश में महाराज थे खड़े हुए, तो महाराज ने कहा कि गिनती कैसे करोगे कि एक दो तीन, महाराज मुझे तो गिनती आती नहीं और जिस भाषा में मैं गिनती करता हूँ वो आपको नहीं आती, कि तो क्या करें। ये कुछ वैसा ही वाक्य था कि जैसे हमारे जैसलमेर में बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, शुरुआत में जो व्यापारी थे ना उनको उनकी भाषा नहीं आती थी तो इशारों में बताते, कोई चीज़ का मूल्य पूछते ना तो एक हाथ में नोट निकालते जैसे 100 का नोट, तो एक 100 के नोट की है तो एक उंगली करते कि ये और ये, मतलब एक, और 200 के नोट के बराबर है तो दो, एक 100 का नोट और दो करते कि ऐसे दो, तो समझ लेते थे। तो महाराज ने कहा कि आप कुछ संकेत की भाषा के लिए कुछ मणियाँ मंगा लो तो मैं बता पाऊँगा कि गिनती करके कि ईश्वर एक दो कितने हैं। चलो मणियाँ आ गई, मणियाँ मंगाई गई। अब महाराज से कहा संत ने कि महाराज अब गिनती करिए, जैसी पूरी हो जाएगी मैं बता दूंगा ईश्वर कितने हैं। तो जो राजा थे उन्होंने एक मणि उठाई थाली से कि ये एक, हाँ ठीक है इसको रख दो, अलग रख दी। दूसरी मणि उठाई फिर बोले दो, कि उनके दो, महाराज आप तो शायद गिनती नहीं आती आपको। संत ने कहा राजा से कि महाराजा आपको गिनती नहीं आती क्या, आप तो गलत पढ़ रहे हो, कि नहीं नहीं सही हो। तो संत ने कहा दिखाओ वापस, तो वो मणि अपने हाथ में ली और दरबारियों से पूछा कि ये कितनी मणियाँ हैं। दरबारी ने कहा एक, कि राजा आपके बोल रहे हैं दो, आप बोल रहे हैं एक। राजा कन्फ्यूज हो गए। तो महाराजा ने कहा कि एक वो पहले रख दिए, अच्छा वो रख दिए और दूसरी ये, तो अच्छा ऐसा करो इसको नीचे रख दो। तो जो दो बोल रहे थे उसको नीचे रखवा दी और पहले जो बोल रहे थे एक उसको हाथ में ली, कि अब बताओ कितनी है, कि दो, कि अभी तो आप इसको एक बोल रहे थे अब इसको बोल रहे दो। महाराज कन्फ्यूज, चलो इसको भी रखो। एक और मणि उठाई कि अब बोलो कि तीन, कि महाराज आपको तो लग रहा है गिनती नहीं आती। फिर दिखाए दरबारियों को ये कितनी है, कि एक, और आपके राजा बोल रहे हैं तीन। राजा के बस बत्ती जल गई कि देखो ये सब एक ही हैं, उसका नंबर तीन है लेकिन एक है। और तीनों को एक साथ उठा के एक मुट्ठी में बंद किया, अब कितनी है कि इसके अंदर तीन हैं लेकिन मुट्ठी एक है। यानी ईश्वर के अंश के रूप में जब करोड़ों जीव जन्म लेते हैं तो अनेक हो जाते हैं, और जब इनकी आत्मा फिर वापस में ईश्वर में विलीन हो जाती है मुट्ठी रूपी, तो तीनों मिलकर के फिर से एक हो जाते हैं। तो ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। शायद आप समझ गए होंगे
कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो कुछ घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं हम कहते हैं सब ईश्वर की देन है, सब ईश्वर ने किया है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कि ये ईश्वर की लीला है। किसी का अच्छा हो गया कि बस उसकी ईश्वर की देन है। किसी के बच्चा हो गया, ईश्वर की देन है। कोई पत्थर गिर गया, ये सब ईश्वर ने किया है। कोई बच गया अचानक, यार ईश्वर के चमत्कार से बच गया। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम सब के अंदर ईश्वर है। इन पत्थर पहाड़ों के सब के अंदर ईश्वर है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। और ये आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर एक है और सब जगह सब जीवों में जड़ चेतन में सब में ईश्वर है। इसीलिए रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। वहाँ के राजा हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु ऐसा जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया, धन्य प्रभु। कि चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था, वो क्या था कि महाराज, दूसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर रहता कहाँ है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। वो किसान के बेस में जो संत बैठे थे, उन्होंने कहा अब तो राजा हो यहाँ के, सब पूछते ही रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, कि क्या बोलो, क्या मंगाओ, कि दूध मंगाओ। तो दूध मंगाया गया, दूध रख दिया। अब दूध जो किसान, जो संत थे किसान के भेष में, वही जवाब दे रहे थे। और जो ओरिजिनल संत थे वो तो मतलब एक वो किसान बन के कपड़े पहने हुए थे, वो चेला बन गए थे। और जो किसान था वो महाराजा के चुप बैठा था। तो दूध में वो महाराज थे ना, जो संत ओरिजिनल जो किसान के भेष में, तो उंगली घुमाने लगे। राजा ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो आप, इसको ग्रहण कीजिए। कि मैंने सुना इसमें मक्खन होता है, तो इतना सारा दूध है तो मैं सोच रहा हूँ मक्खन ही खा लूँ निकाल करके। अरे महाराज, मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, तो मुझे तो पता नहीं है ना कैसे निकलता है। कि महाराज, पहले इस दूध को गर्म करके जमाना पड़ेगा दही, फिर दही को मथना पड़ेगा, और फिर जो मक्खन निकलेगा गर्म करना पड़ेगा उसको, फिर घी तैयार होगा। आप तो सीधे उंगली से घी निकालना चाहते हो दूध में से। तो संत ने कहा कि महाराज, ये ऐसे ही तो ईश्वर मिलता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब जगह व्याप्त है, जैसे दूध में सब जगह मक्खन है ना, सब जगह व्याप्त है ईश्वर। इसको निकालने के लिए अपने विचारों का मंथन करना पड़ेगा, और फिर अपने मंथन से जो यूँ कहें कि जो वैराग्य का मक्खन निकलेगा उसको तप से तपाना पड़ेगा, और उसके तपने के बाद ही घी निकलेगा। ये प्रक्रिया है पूरी ईश्वर को प्राप्त करने की, जैसे कि घी निकाला जाता है। सीधे ईश्वर थोड़ी मिल जाएंगे, सब जगह व्याप्त है। फिर से वहाँ के राजा ने हाथ जोड़े कि महाराज, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हुआ, एक अंतिम सवाल का जवाब और दे दीजिए कि ईश्वर करता क्या है। तो जवाब तो दे देंगे, पर करता क्या ईश्वर? तो उन्होंने कहा कि देखो, गुरु कौन है? कि गुरु तो आप ही हो, जवाब दे रहे हो तो, और आप चेले हो, और चेले को ऊपर बैठना चाहिए कि गुरु को? कि गुरु को तो पहले तो सिंहासन से उठो। उठे और फिर वो महाराज वहाँ पे बैठे, तो बैठते ही बोले कि महाराज आप जवाब दो कि यही तो करता है ईश्वर, कि राजा को एक रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, ये सब कुछ ईश्वर कर सकता है। जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो ईश्वर के द्वारा होती हैं। इंसान तो एक माध्यम है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको माध्यम बना करके ईश्वर सारी प्रक्रियाएं करवाता है। अच्छे कर्म करते हैं तो दोष शरीर का होता है, और बुरे कर्म करते हैं तो भी दोष शरीर का। जो इसके अंदर शक्ति है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, शक्ति शरीर को दी जाती है। अब ड्राइव करना, उस शक्ति का इस्तेमाल करना शरीर का काम है। तो जब बुरे कर्म करते हैं तो दोषी शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है। तो ईश्वर का काम यही है, सब कुछ काम ईश्वर के द्वारा ही होता है, कहीं भी कुछ वो कर सकता है। महाराज बड़े ही संतुष्ट हो गए इन जवाबों से, लेकिन उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं था। वो तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने कहा कि बोलो महाराज क्या चाहिए।
फिर से हंसने लगे वो संत कि फिर महाराज इतना ज्ञान लेने के बाद भी कह रहे हो कि आपको क्या चाहिए, मांग लो, देने वाला वो, करने वाला वो, आप कौन बीच में। हाथ जोड़े और वो संत थे वापस हिमालय की तराई में तप करने चले गए। तो ईश्वर की माया है, ईश्वर को समझने के लिए हमें ऐसे दृष्टांतों के माध्यम से हम सरलता से समझ सकते हैं कि ईश्वर एक है, हर जगह व्याप्त है, लेकिन हम, हमारे अंदर जो शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है, हम कोई ऐसा काम न करें और फिर ईश्वर को दोष न दें। जिस प्रकार से हर गाड़ी के अंदर इंजन शक्ति प्रदान करता है, ऐसे हमारे शरीर को प्रभु शक्ति तो देते हैं, लेकिन जो शरीर रूपी ड्राइवर है यदि एक्सीडेंट कर दे तो इंजन का दोष मत कहना कि इसमें जो लगा है वो इंजन का दोषी है। दोषी कौन है? ड्राइवर, जो शरीर रूपी है। तो इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना है, और थोड़ा कष्ट भी हो सकता है शरीर को, तो कष्ट अगर दूसरे का भला हो रहा है और थोड़ा कष्ट शरीर को हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आत्मा हमेशा शुद्ध ही रहेगी, ये मानना है। तो सारे जितने भी ईश्वर के बारे में जो कुछ बताया गया है अपने अपने तरीके से, एक हमारे गुरुओं का ज्ञान था, उन्होंने जो मुझे बताया था ऐसा कैसा ही ज्ञान मैंने आधुनिकता की चाशनी में लपेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए दृष्टांत के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक अपने दोस्त आर्य श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।